जैसे नरेंद्र मोदी को हम सब लोग शेर बुलाते हैं, तो अब तो शेर ने धार मार दिया, अब अगर कोई कुछ उंगली उठाएगा तब तो वो बचेगा नहीं। थैंक यू, थैंक यू। तो आपको कैसे लग रहा बेटा, क्या क्या कहते हैं आप, धारा 370 जो रिमूव हो गया है, क्या कहेंगे आप? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि धारा 370 रिमूव हो गया है, और अमित शाह जी ने और मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, हमारे लिए ही नहीं पूरे देश के लिए भी बहुत अच्छा काम किया है, नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी बहुत अच्छा काम किया है, और अब हम लोग आराम से जा सकते हैं कश्मीर, मुझे ऐसा लगता है। अपने घर जा सकते हैं, वहाँ पे रह सकते हैं, टूरिज्म है बहुत बड़ा, नई जनरेशन है, तो आप पढ़े लिख करके वहाँ पर जो व्यापार करेंगे या सर्विस करेंगे, क्या अपेक्षा रखते हैं मोदी जी से, कि किस तरह से जो है आपके लिए जो माहौल है वहाँ पर किस तरह से बनाए, एजुकेशन के जो है बहुत बड़ा एजुकेशन के हब बने, एजुकेशन का जो है यूनिवर्सिटी बने, और आपके लिए वहाँ पर जो माहौल बने, आपको बाहर ना आए, वो जो जो जन्नत है, वो स्वर्ग है वहाँ पर, वो इतना अच्छा माहौल है, तो आप लोग वहाँ पर नया जनरेशन वहाँ पर, क्या अपेक्षा करते हैं, क्या बोलना चाहते हैं आप सरकार? मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ कि जैसे उन्होंने इस लॉ को भी बनाया है, तो फिर अब व्यापार के लिए लोग ज़्यादा आएंगे, क्योंकि उन्होंने अब एक ऐसा विकास बनाना शुरू करना चाहिए जम्मू कश्मीर में, कि सारे लोग जो है वहीं पे व्यापार करना जानते हो, और वहीं पे चाहते हो कि हर जगह पे वहाँ पे सिर्फ कश्मीरी पंडित जो है वो ही नहीं, बाकी पूरे देश भी अपना व्यापार या फिर अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। वहाँ पे ये टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, हाँ। देश विदेश के लोग आएंगे, घूमेंगे वहाँ पे, जो अच्छी व्यवस्था हो, तो आप क्या चाहते हैं? अच्छा, राहुल गांधी का आप जानते हैं, राहुल हाँ। गांधी अपोज कर रहे हैं, बहुत बड़ी पार्टी के नेता रहे हैं, और उनके नाना ने जो है ये सब बोया था, तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हाँ, वो अपोज ना करें, क्योंकि अब तो जैसे नरेंद्र मोदी को हम सब लोग शेर बुलाते हैं, तो अब तो शेर ने धार मार दिए, अब अगर कोई कुछ उंगली उठाएगा तब तो वो बचेगा नहीं। थैंक यू, थैंक यू। देखो, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, मुझे क्या, मुझे लगता है पूरे देश को अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये हम लोग एक होना चाह रहे थे जो हमें होने नहीं दे रहे थे, ये मुझे लगता है मोदी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, और शाहजी ने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस में या किसी और में यह दम था कि ऐसा काम करना। तो मेन चीज़ हमारा मुद्दा था, जब हमें वहाँ से निकाला गया, किसी, अभी मैं आपके मीडिया के सामने बात कर रही हूँ, मगर उस टाइम पे इतना इफेक्ट नहीं था मीडिया का, किसी ने हमें पूछा नहीं, आज हमें लोग पूछ रहे हैं कि हाँ जी कुछ हुआ था आपके साथ, आपके साथ हुआ था कुछ। अब हम खुश हैं कि कम से कम अपने अपने स्टेट, अपने कश्मीर वापस जा सके, अपने लिए कुछ कर सके, वो मेन हमारे लिए है, क्योंकि हमारा जो मेन चीज़ था कि वहाँ जाना, तो हम पहले भी जाते थे एज अ टूरिस्ट, एज अ कुछ करके जाते थे, मगर वो चार दिन के लिए जाना और वो दहशत की ज़िंदगी में जाना, कम से कम अपना, अब तो अपना ये है कि अपना जगह है, अपने चीज़ें सुरक्षा से जा सकते हैं, मगर एक चीज़ अभी भी हमारे मन में है कि अगर हम वापस जाए तो मोदी जी को हमें कम से कम बसाना चाहिए, क्योंकि जो हमारे घर थे वो तो पहले ही लुट चुके हैं, जल चुके हैं, खंडर बन चुके हैं, अब हमारी ज़मीनें हैं मगर घर नहीं है, घर नहीं है, मगर घर नहीं है, सुरक्षा चाहिए, सुरक्षा चाहिए, सुरक्षा चाहिए, घर चाहिए, घर चाहिए, सुरक्षा चाहिए। तो क्या लगता है आपको, जैसे महबूबा मुफ्ती है, फारूक अब्दुल्ला है, उमर अब्दुल्ला है, जब कभी किसी मुस्लिम को अगर कोई बात होती है, वो मॉब लिंचिंग वाली बात करते थे, जिस समय जो है वहाँ से इतना बड़ा पलायन हो रहा था, हमारे हिंदू भाई जो है वहाँ छोड़ के आ रहे थे, उनके बच्चे, बीवी बच्चे जो है वहाँ से पलायन हो रहे थे, उस समय उनको ये नहीं आया, जो बुद्धिजीवी आज जो मॉब लिंचिंग की बात करते हैं, क्या उस समय उनको ये नहीं आया कि भाई इतने लोग जो है अपने घर छोड़ करके जा रहे हैं, आखिर कोई कारण होगा? आप वहाँ करते क्या क्या लगता है, क्या संदेश? देखिए, 4 लाख लोग रातों रात निकल गए और उनके बारे में किसी ने सोचा नहीं, पूछा नहीं, कुछ नहीं कहा, तो मतलब हमारे पास एक चीज़ थी, कश्मीरी पंडितों के पास कलम था, हमने ना पत्थर उठाया, हमने ना बंदूक उठाई, हमने ना कुछ किया, मेहनत से आज भी यहाँ खड़े हैं, और अभी भी हम तैयार हैं मेहनत से अपने घरों में वापस जाने के लिए। तो हम उनसे ये अपील कर रहे हैं, चाहे महबूबा है, चाहे यहाँ राहुल जी है, चाहे कोई भी है, ये देश के हित की बात हुई है, ये कोई कश्मीरी मुस्लिम हिंदू सिख ईसाई उसकी हित की बात नहीं हुई, हम सब के लिए हुआ है। तो आप प्लीज़ ये हिंदू मुस्लिम को छोड़ के एक देश को इकट्ठा करिए, जो हमारी मेन बात है, हम चाहते भी हैं।
राहुल गांधी आज कहते हैं कि जो ये धारा 370 जो है सरकार ने सडनली जो है वो समाप्त कर दी, ख़त्म कर दिया है, उसमें देश को बहुत बड़ा खतरा होगा। राहुल गांधी तो अभी आज भी उनकी पार्टी जो है अभी लोकसभा में जो कार्यवाही चल रही अभी भी अपोज कर रहे हैं, तो क्या संदेश देना है? उनके पूर्वजों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये बीज बोए हुए हैं और जय स्वाजी चाहते थे कि जल्द से जल्द इसको जब 40 साल पहले ख़त्म हो जाना चाहिए था, तो ये अभी तक पेंडिंग रखा, क्या देखिए 72 ईयर्स पहले ये शासन ये जो लगा था लागू 370 उन्हीं के पूर्वजों ने लगाया था, उनको तकलीफ किस चीज़ से वो पता नहीं, वो मुझे लगता है कि वो आज भी वो पाकिस्तान के लिए ही गुनगा रहे हैं, आज भी जो न्यूज़ चल रही है वो पाकिस्तान के लिए बोल रहे हैं। उन्हें चाहिए, ठीक है आपने जो किया, आप कम से कम आप देश हित के लिए हिंदुस्तान के लिए सोचिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एक पर्टिकुलर कौम के लिए सोचिए मगर हिंदुस्तान के लिए सोचिए, बहुत हो गया, बहुत हो गया, आप रुक जाइए, आप रुक जाइए, मार दिया रातों रात, आप रुक जाइए, अब मैं उनसे ये उम्मीद करती हूँ कि कम से कम वो देश के हित के लिए सोचे। राहुल जी से तो मैं उम्मीद नहीं कर सकती क्योंकि उनका बोलना ना बोलना, मगर कम से कम सोनिया जी तो समझदार हैं, वो तो सोचे कि भाई अब तो देश के हित के लिए कुछ तो सोचे। आज अधीर रंजन चौधरी जो उनके नेता हैं लोकसभा में, वो कहते हैं कि धारा 370 जो हटाई गई है उसमें ये यूएन का मामला है, देखिए वो यूएन में ले अंतर्राष्ट्रीय मामला बना रहे हैं, अपने देश की जो है अपना एक भाग है हमारा जो अनावश्यक रूप से जो है अलग किया हुआ था, और उन्हीं की पार्टी के जो नेताओं ने उनके पूर्वजों ने उनके नेताओं ने ये गलती करी थी, उस गलती का प्रायश्चित करने के बजाय वो कहते हैं कि ये इंटरनेशनल मामला था, इंटरनेशनल तो क्या क्या संदेश? मैं उस इसके लिए ये बोलना चाहती हूँ, आज तो उनको ये यूएन का मामला लग रहा है जबकि एक भी आदमी वहाँ नहीं मरा, जब कश्मीर में औरतों को उनका रेप करा गया, उनको जिंदा मारा गया, उनको आरी से काटा गया, मैं औरतों की बात कर, मैं हर इंसान की बात कर, बच्चों को मारा गया, वंधामा केस हुआ, बाकी सब चीज़ें केस हुई जहाँ पे जहाँ से 27-28 लोग एक ही एक रात में मारते थे, तब यूएन कहाँ था? आज तक तो मुझे नहीं लगता यूएन ने उसके लिए कुछ बोला, हम भी चाहते हैं कि यूएन बीच में आए, कम से कम हमारी बात तो आगे लाए, देखे तो सही पीछे हमारे साथ हुआ क्या है। मुझे नहीं लगता कि 370 का लगा एक भी आदमी मरा, मुझे तो नहीं लगता आज तक किसी ने नहीं ये टॉपिक जो नेतृत्व का जो नेतृत्व की इच्छा शक्ति जो इच्छा शक्ति थी ये नहीं थी, पिछले सरकारों में जो नेतृत्व की इच्छा शक्ति थी वो नहीं थी, आज मोदी सरकार आया है उन्होंने अपना करके दिखाया, एक साहस किया है, और हमें किसी यूएन में जाने की जरूरत नहीं है, कोई अंतर्राष्ट्रीय किसी को मध्यस्थता की जरूरत, हम पहले भी रही है लेकिन हम सक्षम थे, लेकिन उन लोगों की नीयत ठीक नहीं था, और इसी क्रम में जो पी चिदम्बरम हैं जो पूर्व गृह मंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने दो दिन पहले क्या बोला था लोकसभा में, उन्होंने बोला था कि अगर जो हिमाकत करती है कुछ नहीं हो जाएगा, उधर कुछ नहीं शांत हो जाएगा, उन्होंने जो कहा वो तो उल्टा ही हो गया, कम से कम सच्चाई देश के सामने आ गई, हर चीज सामने आ गई, दूध का दूध पानी का पानी, अंदर तो मुसलमान कितना भी मुसलमान लोग भी चाहते हैं अंदर हमें ऐसे हो जाएगा, मगर वो बोल नहीं सकते, उधर के मुसलमान मोमडन वो नहीं बोल सकते, अंदर पढ़ा लिखा वर्ग है मोमडन, जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो आज भी बाहर है वो सब बाहर, पढ़ाई के लिए बाहर है, कोई वहाँ रहना नहीं चाहता, वही बेचारे पिसते उधर, 370 उनके लिए भी अच्छा होगा, जो अलगाववादी नेता है उनके तो सारे जो है बच्चे जो है बाहर विदेशों में फॉरेन कंट्री में, तो जो जो नेताओं के लोग बच्चे हैं ना वो सब फॉरेन दुबई में पढ़ते हैं, जो गरीब लोग हैं उधर वही पिस रहे हैं उधर, ये सब उनका ही हाँ गिलाफरबाजी वही करते हैं। पी चिदम्बरम आप देखा, आपने उनका बयान देखा होगा, वो परसों चेतावनी भरे ये लहजे में कह रहे थे कि अगर सरकार इस तरह से स्टेप उठाती है, अगर धारा 370 की बात जो है उसको रिमूव करने की बात होती है, तो कहते हैं कि इसमें जो है बहुत ज़्यादा खतरा है, क्या कहो? कुछ नहीं होने वाला है, प्रीतम जी थी इन लोगों को भी अपना वोट बैंक तो करना ही है, आज तक ये लोग सिर्फ वोट बैंक के पॉलिटिक्स खेलते थे, चाहे प्रीतम बरम हो था या फारूक अब्दुल्ला था या मुफ्ती थे, ये इन लोगों का काम ही है, बस वोट बैंक का काम है, इन लोगों को तो कभी हिंदुस्तान के बारे में सोचा ही नहीं है, ये 370 की बात कर रहे हैं तो लाया कैसे इन्होंने, पहले उनको ये जवाब देना चाहिए थे, लाया कैसे उन्होंने इसको, गैरकानूनी चीज़ को उन्होंने रखा और उसके बाद अस्थाई चीज़ को इन्होंने इतने साल 70 साल रहा, जो कि खुद नेहरू ने बोला था कि ये चीज़ घिससे ख़त्म हो जाएगी, लेकिन कब ख़त्म होगी, घिसने के बाद उसके बच्चे भी हुए आज तक नहीं ख़त्म हुई, अब जब किसी ने अगर दिल दिखाया जिगरा दिखाया ख़त्म करने का,
अब इन लोगों को तो कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। बहुत बड़ा ह्यूमर बनाया जा रहा था, एक डर जैसा माहौल पैदा किया जा रखा था, चाहे वो पीडीपी के नेता हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, तो क्या कहेंगे आप ऐसे लोगों को, क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं अभी महबूबा मुफ्ती के बारे में बात करता हूँ। महबूबा मुफ्ती जहाँ से लड़ी है अभी इलेक्शन में हुई, तो आपको पता वो कितने नंबर पे आई? तीसरे नंबर पे है। उसको उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो चुकी है। अब ये लोगों का, अब ये लोग करते क्या हैं, ये दोनों मुफ्ती हो या ये हो महबूबा हो, इन दोनों का काम यही है कि पहले अगर वो जीत गया तो ये मिल्टनडू का सपोर्ट करने शुरू करेगा ये, और जब जीत गए तो फिर वापस दिखाएंगे जी मिल्टनडू के खिलाफ बात करेंगे। ये दोनों का काम यही रह गया। अब दोनों की क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो चुकी है वहाँ पे। अब तो कुछ तो मुद्दा चाहिए उनको, कुछ तो बोलेंगे कि भैया हम लोग क्या मुंह दिखाएंगे उनको। अब उसके लिए उन्होंने 35 से उनको डरा के रखा है, अगर 370 हट गया, 35 से हट गया आप लोगों के लिए तो ख़त्म हो जाएगा, जबकि ये कोई बात ही नहीं है उनके लिए। वो तो खुश हैं इस चीज़ से। अगर लिटरली आप देखोगे वहाँ पे अभी जो कॉल सेंटर चल रहे हैं, 3-4 हज़ार कॉल सेंटर चल रहे हैं, तो वो कैसे चल रहे हैं? अभी IAS अफसर निकल रहे हैं, आप देखो हर साल कितने IAS अफसर निकल रहे हैं, वो क्यों निकल रहे हैं? फिर वो तो बोलते हैं जी हमको नहीं करना IAS अफसर, क्यों निकल रहे हैं? ये लोगों ने इसका डरा के रखा हुआ है, अगर ये डराएंगे नहीं तो इनका चलेगा कैसे दोनों का? अब आगे क्या प्लानिंग है आप लोगों की, किस तरह से जो है वहाँ पर आप जो है सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं, किस तरह से आपका जो है दोबारा से जो है वहाँ पर वापस आएंगे तो किस तरह से फिर से जो है पुनर्स्थापना जो है वहाँ पर होकर? देखो हम लोग जब हमको निकाला गया, हमको निकाला इसीलिए गया था क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं, ये सिंपल सी बात थी, क्योंकि हम लोग भारतीय थे, इंडियन डॉग स्कोप है उनका, ये बड़ा बहुत बड़ा ये था। अभी हम लोग एक झंडे के लिए बोलते थे, पहले से हम बोल रहे थे कि ये हटाओ इसको हटाओ, नहीं हटा रहे थे, जब आप इन्होंने हटाया एक झंडा, हम भी बोलते हैं एक कंट्री में दो झंडे नहीं चल सकते। अब मोदी जी ने ये कर दिया, शाह ने ये कर दिया एक झंडा, अब हम चाहते हैं कि हमारे लिए भी कुछ ऐसा करें ताकि हम लोग भी आराम से घर जाएं। अभी तो खाली चलो ठीक है, उन्होंने एक यूटी बनाया इसको, लेकिन अभी भी हमारे लिए वो रास्ता नहीं है। हम तो खुश हैं कि हाँ ये हो गया, लेकिन अभी हम लोगों को हमारे लिए उनको करना पड़ेगा कुछ ऐसा इंतज़ाम कि हम लोग अपने मन से वहाँ जाए, क्योंकि जब तक लोग वहाँ के नहीं मानेंगे, वो नहीं चाहेंगे, तब तक हम लोग जा नहीं सकते। आप कितनी भी सिक्योरिटी देंगे। आपको क्या नाम है आपका? विजय रैना। कैसे लग रहा है आपको धारा 370? बहुत खुश है, बहुत खुश है। आप आपको दिख रहा होगा बहुत खुश है हम तो। मोदी सरकार के बहुत बड़ा जो है काम किया है, बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम, उनको जितना हम बधाई दें बहुत कम है। अमित शाह जी को हम जितनी बधाई दें बहुत कम है। और मान लीजिए कि हमारा जो वनवास है, हमारा जो 30 साल का वनवास है, भगवान राम ने तो 14 साल का वनवास काटा था, हम तो 30 साल से वनवास में हैं, लेकिन अब पूरा जो है दुख, जो परेशानी हमने 30 साल से झेली है, वो सब ख़त्म हो गया। एक आशा बन गई कि हम अपने घर वापसी जा सकते हैं। जो मैंने बचपन वहाँ पे गुजारा है, मुझे मेरी जो यादें हैं, मैं आज तक नहीं गया हूँ वापस, लेकिन हो सकता है कि मैं अब जाऊँ। हमारे अब जो नेक्स्ट स्टेप, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके माध्यम से मोदी जी को, अमित शाह जी को, कि जो हम लोग हैं जो कश्मीरी पंडित हैं, उनके फ्यूचर के लिए आप कुछ करें। जो हमारा नुकसान हुआ, हमारी जवानी बर्बाद हो गई, हमारा पूरा करियर बर्बाद हो गया वहाँ पे, हमारी जो मतलब हमारी जो प्रॉपर्टी, करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी वो बर्बाद हो गई, उसके लिए कुछ करें। हमारे मंदिर खंडर हो गए, कुछ नहीं है वहाँ पे। जो हमारे हिंदू धर्म मंदिर थे उनका मुसलमान नाम पड़ गया, उसके लिए कुछ करें आगे। हिंदू जो राष्ट्र है, हिंदू से बनता है, उसमें सब लोग हैं, लेकिन हिंदू नाम वहाँ पे बहुत जल्दी आना चाहिए। श्रृंगेरी मठ भी है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल है। जितने भी पुराने हमारे मठ है, मंदिर है, उनको दोबारा से बनाए, जैसे उन्होंने अभी यहाँ पे उत्तरांचल में, उत्तराखंड में शुरुआत करी है, और इसी तरह हमारे कश्मीर में भी, और हम लोगों के लिए वो पुराने पुराने प्राचीन मंदिर है, जो 100,000 साल पुराने के, जो खंडर हो चुके हैं, उनका पास अब कुछ बचा ही नहीं है वहाँ पे। अब हम जब बोलते हैं कुछ, तो वहाँ की लोकल सरकार तो कुछ कर ही नहीं पाती है। अब कोई आप ये समझो कि अगर अब ये लोग चिल्लाते हैं कि भैया हमारा इलेक्शन जो हुआ है फ्रॉड होता है, वो होता है, लेकिन इन लोगों को ये दिमाग नहीं है कि ये अपना EC के पास जा भी नहीं सकते, इलेक्शन कमीशन के पास जा भी नहीं सकते, क्योंकि 370 है। अरे आप इनके पास ये हथियार हो गया, FIR, ये मतलब कुछ भी कर सकते हैं आप उन लोगों के पास। उनके पास अगर कोई ऐसे प्रॉब्लम होती है, अब वो इंडियन गवर्नमेंट के पास जा सकते हैं, अब बोल सकते हैं भैया ये अब नहीं हो सकता। पहले क्या था, खाली पहले खाली उन्हीं के पास रहता है।
आरटीआई लागू नहीं है। मैं तो चाहूंगा कि जितने भी ये अब्दुल्ला हैं, जितने भी ये क्या नाम है पुती है, उनके 70 साल से जो कमाई है वो कहाँ गया, वो निकाले इनसे। और जो इन्होंने गरीबों को लूटा है हिंदुस्तान को पूरा, 50,000 करोड़ अभी तक गया, वो कहाँ गया, उसका हिसाब किताब दें। तो मैं चाहूँगा मोदी जी से, आपके माध्यम से बोलूँगा कि उसका हिसाब ले, एक एक पाई का हिसाब ले। टूरिज्म की जो है, पर्यटन की बहुत बड़ी बड़ा उद्योग है, उसको आप डेवलप करेंगे, अपने घर बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, टूरिज्म तो इतना अच्छा पहले था, आज से 20-30 साल पहले आप देखिए कितने लोग हिंदुस्तान के बाहर देश से और बाहर से भी लोग आते थे, कितना काम चलता था। ये जो एक इन्होंने रोटी के लिए जो है ना, 70 साल से जो रोटी कमा रहे कुछ परिवार वहाँ पे, इन्होंने लोगों को खौफ में रखा था, कुछ होगा कुछ होगा कुछ नहीं है, गरीब के गरीब होते गए और अमीर के लोग अमीर होते गए, और ये जितना बहुत बड़ा गैप बीच में था, और ये गैप मोदी जी ने बहुत अच्छा किया। और ये अब मान लो एक देवता समेत समान मोदी जी आए, उन्होंने ये फैसला वही कर सकते और कोई नहीं कर सकता था।